এখানে ওই বিবি বই বহির আছে, বহুত আছে, বহুত দেখো চা পজিশন কই পতা নেই কিসি পজিশন কেসি হ্যাঁ লোক ভোট দেনে বহুত নিকলে বহুত নিকলে দেখে রোড কে উপর হ্যাঁ পোল গেছে আগে কি গাড়ি আ গে পিছে ভি গাড়ি আ গে হো গে রাস্তা জাম হো জায়গা বচ্চে খড়ে হ্যাঁ তমাশা দেখে আগে रश बहुत है, ये लोग बैठे पर्चियाँ बना रहे हैं, रश देखो बोलो कितना रश है, गहमा गहमी है, दुनिया बहुत निकल रही है, निकली धो तो शाम को देखेंगे क्या रूटीन होगा, देखो बस बहुत है आवाम तो निकली हुई है, देखो भी क्या होगा शाम को जल जाएगा तो सही पता लगेगा, फिर सकून पोलिंग हुआ कोई झगड़ा कोई फसाद कुछ नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह आराम से बोलेंगे इसलिए गुजर गया है। एक मेरा दोस्त है सेठा शेख साहब यहाँ नवाकोट में थी, उसकी कोठी है, हम आए थे उसने बोला था वो कहीं उसको आदमी लेके चले गए तो वो चला गया, अभी फिर कल मिलेंगे इलेक्शन है ना, मुझे बोलता चले पोलिंग पे चलते हैं देखने, मैंने बोला नहीं बस मैं तो पहले उसको कोई लेके चला गया मेरा दिल भी नहीं था तो इसलिए बस मैं हाजिरी दे चुका हूँ और देखें ये उसकी तख्ती लगी हुई है सारा को माशाल्लाह बहुत अच्छी कोठी उसने बनाई बहुत पैसा लगा दिया अल्लाह आपको फुर्सत दे आप भी अच्छी जगह बनाए और किसी नसीब में करे आमीन सुमाल घर के सामने देखो उन्होंने मस्जिद बनाई बेहतरीन किस्म की छोटी सी मस्जिद है बहुत आला मस्जिद है उन्होंने इसका सिहन भी रखा हुआ है तो माशाल्लाह ये उसका दरवाज़ा उधर भी है जी ये मस्जिद है माशाल्लाह वहाँ के घास बहुत खूबसूरत इबादत गाह भी है घर भी है नमाज की शादत भी नसीब हो जाती है माशाल्लाह क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है इनको ना आज इलेक्शन जो है कोई आदमी नहीं है कोई यहाँ नहीं बिल्कुल रोड खाली है मेरे को कोई नहीं आ जा रहा बिल्कुल ऐसे से सुनसान लग रहा है देखिए इस दिन नया आज भी देखा है शाप पे ये चुप के अरे झाड़ू कहाँ गया हाँ देखा यार हाँ देखो देखो झाड़ू बाद आता हाँ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है यार बहुत इधर वो बिरयानी बांट रहे हैं इधर तुम्हारी दुकान पर बोला नहीं वो तो बंद की टाइम खत्म हो गया तो मैंने खाना नहीं खाया भाग गया मैंने कल कल जीते का इंसान नहीं खिलाएगा चलो अभी वो नून लीग वाले खिला रहे थे हमने खा लिया तुम्हारे भाई इधर लेग पीस चल रहे थे लेग पीस आप नहीं गए नहीं तो या वो भी पता है वो भी चले गए आप क्या कहें तो आसिम भाई वीडियो अपलोड के क्या मसला होगा नेटवर्क नहीं है क्या चक्कर है नेटवर्क बंद है सुबह से 6 बजे से ना उन्होंने नेटवर्क बंद कर दिया है अच्छा भी नहीं हो रही नेट भी नहीं चल रहा वीडियो आप एडिटिंग है ना वो भी नेट पे होती है कैमरा भी चलता है वो नेट से चलता है अच्छा वीडियो एडिटिंग भी सुबह होगी अपलोडिंग भी सुबह होगी चलो तो तकरीबन ये हमारी नहीं हर बंदे को पता है कि नेट बंद है हमारी ऑडियंस है उनको भी पता है अच्छा चलो फिर जो सुबह जुमा मुबारक भी देंगे तो वीडियो भी नहीं डालेंगे ताजी ठीक है चलो जी आप घर चलते हैं बैठने का कोई फायदा नहीं मैं गया था वहाँ लोड कर रहा था सामने दुकान है तो उसने कहा नहीं नेट नहीं है तो इसलिए मैंने बोला आसिफ से पूछूं शायद ये बोलता नहीं चाचू उसने सही बात की है चलो ठीक देखो जी मेरे पैसे गिर गए थे ये टीम कहती है हमारे पास है 10,000 थे हाँ चलो दे दो 10,000 है 5 तुम ले लो 5 मैं ले मुझे हाँ ये मुझे क्या बचेगा नौ लेके तो देखो 9,000 लेके तो मुझे 1,000 बचेगा सही है हाँ 5 तुम ले लो तो 5 मुझे चलो भी आप अरे ये क्या कर रहे देखो जी मेरी बेगम को आराम नहीं आता हाँ ये जो यहाँ चाय बनाते थे तो यहाँ ये चारपाई लगा दिए थे इधर मेज लगा दी कुर्सियाँ लगा दी
यहाँ पेटी अंदर रख दी, इधर मेज लगा दी और इधर चारपाई लगा दी। अगर ये गुजर है ना, इधर हम नाश्ता तैयार करते थे सुबह का। यहाँ अभी इसने यहाँ चारपाई लगा दी, गद्दा लगा हुआ था तो इधर भी इसने चारपाई लगा दी। देखो यहाँ मेज सेट कर दी, हाँ तो इधर भी मेज सेट कर दी, कुर्सियाँ सेट कर दी। देखे इधर पेटी पड़ी थी बाहर, वो भी अंदर रख दी। कहती भी हम तो जाएंगे, कोई नफा नुकसान हो, कोई सामान निकाले, कुछ करे, मैं अपना पूरा सामान जो है अंदर रख के जाऊँगी। देखे अभी ऐसा सेटअप हो गया, सोने की जगह खुली होगी, हम अभी चाय यहाँ पियेंगे, नाश्ता यहाँ बनाएंगे, तो बाकी ये सारा सामान हमारा अंदर आ गया। देख लो भी कैसे उसको आराम, मैं भाग गया हूँ इलेक्शन कंप्लेन देखने भी क्या हो रहा है पोलिंग पे उधर। मज़ा आता है ना पोलिंग पे, इधर जाओ उधर जाओ, मज़ा आता है। मैंने वही बचपन वाली आदत भी की है, पोलिंग में जा चुके पहले जाते थे हम उधर उस पोलिंग पे, क्या रूटीन है उधर, किधर है, कैसे माहौल, कौन जीत रहा है। तो अभी पता चलेगा, आज नेटवर्क भी नहीं है, नेट भी नहीं लगा, लगा भी ये गए तो नेटवर्क नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। सुबह इंशाल्लाह जो होगा पता चलेगा। उम्मीद तो अच्छी है, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। देखो यहाँ बैठे हैं तस्वीर पढ़ते, दिन को निकाल लेते हैं, शाम को साफ कर सुथरा करके यहाँ पे मोटरसाइकिल को अंदर खड़े लॉक कर देते हैं। सुबह ज़िंदगी तो फिर निकालेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि दूर नहीं जाता मैं, शहर में जाता हूँ बस। ये शहर में दूर चला नहीं सकता, शहर के लिए है बस। खाते हैं खाना, तो यहाँ अभी आ गया रात का खाना, खाना खाते हैं। यही तबीयत ख़राब थी, घूमते रहे सारा दिन, वो पोलों पे जाते रहे, पर देखते रिजल्ट क्या है क्या आता है। अभी तक रिजल्ट नहीं है, नेट नहीं था। सुनो कैसा है, किस चीज़ का, किस चीज़ का सालन है? चल जा अकेले या कुछ मिला? नहीं, मटर भी। अच्छा चलो खाओ फिर, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, मैं गोली खा लूँ, तब भी ऐसा ही नहीं है बस कुछ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, जुमा मुबारक हो आपको सबको। मैं जुमा के दिन अपने जब तक यहाँ हूँ अपने वालदैन के कब्रिस्तान में आता हूँ, कार्य सवाब के लिए जो ख़त्म होता है पढ़ता हूँ, सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो बाकी ये है कि रात मेरे साथ एक हादसा हुआ जो कहने के काबिल भी नहीं है, बताने के काबिल भी नहीं है। देखो ये आखिरी मकाम है, आप कहोगे शायद झूठ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसी मकाम में हर इंसान ने आता है आना है। ये मेरे बाकी बुजुर्गों की कब्र हैं सबकी, देखो ये सामने है मेरे, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजर कर कह रहा हूँ। एक बार के रात मुझे मारने की कोशिश की गई नज्जो और फरूक ने, शराब पी के आ गया मेरे घर में, घुस गया, पूरे मेरे पड़ोस वाले आ गए, मेरे किराएदार आ गए, उन्होंने मुझे छुड़ाया अंदर, मुझे दबा के कुंडी लगा दी। जितना मैं कहता था मुझे बाहर निकालो, तो उसकी मारने का इरादा था दोनों का, नज्जो का उसका फरूक का। तो कुछ देर वहाँ झगड़ते रहे, पूरा इलाका इकट्ठा हो गया, गाली गलूच ये वो करते रहे मेरे को। मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कोई वो नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी शराब पीने की डेली की आदत है। मैंने बीवी को कहा था, उसने बहुत शराब पी हुई, मैंने बोला शराब जो शराब पी ले, यही कुछ करे कि दूसरों में घर में घुस जाए। कुछ लेन देन का मामला था जो मेरे साथ हिसाब करके गए थे, वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, मैंने वही मांगे, तो बोलते भाई बाहर निकाला मैं तुम्हें जान से मार देंगे। देखो ना, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, पूरे पड़ोस से शिजाज मेरा भतीजा था, मिठू था, किराएदार है मेरा, अपना नुमान वो था, पूरे पड़ोस थे, पूरी पूरा मोहल्ला था, पूरी दुनिया शोर करने सुनने वाली थी। आधी रात को 9 बजे रात के हमारा खाना इसने हराम कर दिया, नज्जो ने, इसने फारूक ने, ये खुदा की शुक्र उन्होंने, मेरी बीवी ने और शिजाज वालों ने अंदर मुझे खड़ा के कुंडी लगा दी। मैंने जितना तोड़ा दरवाज़ा, मैं भी फिर खिड़की से जो कुछ खा उसको कहता रहा,
ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई, अल्लाह इसकी ऐसी औलाद किसी को न दे। हाँ ठीक है, तो यहाँ मैं फातिहा पढ़ता हूँ, तो आप शायद कहोगे ये आखिरी मकाम है। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कहता हूँ, इस मकाम खड़े इसमें कोई एक पैसा भी झूठ नहीं है, ना झूठी है, इस जगह पे खड़ा हूँ। सजाद से पूछ सकते हैं, मिठू से पूछ, मेरे भतीजे हैं पड़ोस में, मेरे किराएदार हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई, वरना ये मुझे मारने वाले थे दोनों। तो मैं इसलिए सबूत के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, कल को मेरे पास ऐसा हादसा है तो मेरी मौत के ये दो जिम्मेदार होंगे, फरूक और नज्जो, और कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर मेरी बीवी को भी ले गया था, आधी रात को मिठू को बोला, उसको सजाद को बोला, जाओ मेरी माँ को ले कर, मेरी माँ को ले, मेरी माँ के साथ शादी की, मैंने निकाह किया, मैंने चोरी किया, आज 10 साल के 20 साल के 15 साल के बाद उसको कह रहा था, आ रही थी, मेरी माँ से शादी क्यों की है, तो मैंने शादी की कोई ये तो नहीं कोई वो की, तुम बस वो बातें कहने के लिए जो मैं यहाँ कहूँ। तो अल्लाह हाफिज़, मेरे पर अगर कोई हमला हो, कुछ हो, मेरे मौत के ज़िम्मेदार नज्जो और फारूक होंगे, मुझे कुछ भी होगा, मैं वीडियो इसलिए फारूक के लिए ऐसे आखिरी मकाम पे खड़ के बना रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी मकाम है, कोई किसी को साथ नहीं लेके जाएगा, सब अकेले जाएंगे, यहाँ आना है। ठीक है, तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार नज्जो और फारूक होंगे, कुछ भी हो तो अभी फातिहा पढ़ते हैं, तो सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक, ज़िंदगी रही तो मिलेंगे, नहीं तो अगले जहान तो मिलेंगे। हाँ, ये हमारी हालत है, बाकी मैं चलता हूँ, वीडियो अपलोड करूँगा, तो दुआ में याद रखना है, अल्लाह हाफिज़। तब सब को लूँ मैं कह रहा हूँ, अब सबूत प्रूफ के लिए, हुकूमत को, अवाम को, सब को, अपने वारसों को, मेरे मौत के ज़िम्मेदार दो होंगे, फारूक और नज्जो होंगे, फारूक और नज्जो, फारूक और नज्जो होंगे मेरे मरने के, ये प्रूफ रहेगा मेरे पास, कोई भी हो। बहुत धमकियाँ दी गई, कुर्सियाँ उठा के मारी गई, कुर्सियाँ तोड़ दी, ताले तोड़ने कोशिश की, फिर वो उम्र आ गया, आखिर मैं ताला तोड़ दूंगा, ये वो बेटी उसकी सीधे उसके माँ के साथ घुस गई, सबको फिर मैंने जाओ मेरा अल्लाह वाले से, मैं अकेला रहा तो अकेला आया है तो अकेला ही जाऊँगा, लेकिन माफ़ी किसी से नहीं मांगूंगा, ना अपना हक छोड़ूंगा, हक ले कर जाऊँगा, हक के लिए हक कोई करता है, ये नहीं है झूठे बोलते पैसे माफ़ कर दो, पैसे ले कर छोड़ूंगा। ठीक है, जब हिसाब हो गया, क्लियर हो गया, तुम्हारा लेन देन, मरना जीना ख़त्म हो गया, फिर मैं कुत्ते को डाल दूंगा, इनको नहीं दूंगा। ठीक है, जो मेरा हक है मैं आकर लेके रहा हूँ, मेरे पैसे नहीं दे, अभी तक मेरे दाने उनके घर ना दाने बेचने देते हैं ना देते हैं, पैसे 1,65,000 ना पैसे नहीं देते, शादी से पहले हिसाब किया होता, अभी तक उनके पास खड़े, बोलते नहीं देंगे, मैंने बोला ले के रहूँगा, मेरा हक है उनके पास, दान है उनके पास, मेरे टीयर गार्ड है उनके पास, और क्या क्या है बताए, क्या बताऊँ, लानती खाते में कुत्ते की ना भोग भी रहे। देखो ये सैयद फतेह अली शाह बुखारी हैं, जो ये कब्रिस्तान इनके नाम पे है, ये कब्रिस्तान तो सैयद बुखारी हैं, आले रसूल हैं, आले नबी हैं, तो माशाल्लाह इनके सदके हमारा इलाका बचा हुआ है, अल्लाह इनके तो खैर हमारे को माफ़ कर रहा है, तो एक दिन हमने भी यहीं आना, यही मीठी के पतले कितना गुमान है, तो ये नहीं कहना, तो मैं दुआ मांग रहा हूँ। तो इनका जनाब अहले इलाका सारा जानते हैं, ठीक है, कैसी दरबार पे मैं खड़ा हूँ, ये डेली का इसका शराब का रूटीन है, डेली घर में मार कूटी होती है, गाली गलूच होता है, इस हद तक के इस जगह पर खड़ा हूँ, शर्म की बात है, अगर मैं तुम्हें इसकी पूरी हकीकत बनाऊं फारूक की, तो ये ज़िंदा रहने के काबिल नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल किसी को नहीं है, बहरहाल हम चुप हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। ठीक है, जो कुछ इसने मेरे साथ किया, ये मैं कब्रिस्तान में यहाँ आके कहता हूँ, वल्ला है कोई इसमें झूठ एक बात हो, अब पूरा अहले इलाका से, अहले मोहल्ला से कोई भी पूछे, हर आदमी को चैलेंज है, हर आदमी को मैं कह रहा हूँ, कोई मेरा पड़ोसी रिश्तेदार कोई आके पूछे इसमें सच हो झूठ हो तो मुझे गोली मार देना वहीं खड़े कर, मेरे रिश्तेदारों से पूछो बिरात ने क्या नाटक क्या क्या किया नज्जो इसने, और किसी से पूछो भी, डेली शराब नहीं पीता ये, डेली का इसका शराब का रूटीन है, आज से नहीं कई अरसे से ये शराबी है
ठीक है, जैसे अजीज़ मियाँ कहता है मैं शराबी हूँ शराबी हूँ, तो इसलिए कब तक छुपाओगे। तो इंशाल्लाह मैं इसका कुछ हल करूँगा तो अल्लाह ताला मेरी इन लोगों से जान छुड़ाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादती की मेरे साथ, ज़्यादती की, मुझे मारने की कोशिश की, बल्कि धमकी दी बाहर निकल, मैं सारा अहल मोहल्ला गवाह है कि बाहर निकल मैं तुम्हें मार के जाऊंगा, हम तेरी लाश से गुजर के जाएंगे। मैंने कहा चलो भी, मैं निकलने लगा था बाहर, मैंने बोला दरवाज़ा, मैंने बहुत पीटा मारा, लेकिन मेरी बीवी और पड़ोसी ने सिजाद मेरे भतीजे ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। बोलते चाचा उसने शराब पी है। मैंने बोला शराब हमारे लिए पी है, ये लड़ाई के लिए, जंग फसाद के लिए, अपने शराब क्यों नहीं पीता। उसने बोला डेली का रूटीन है इसके, वल्लाह है मैं कहता हूँ डेली कई अरसे से शराब पीता है, और पूरे अड्डे में पूरे मोहल्ले में पता है, पूरी बिरादरी पता है। ठीक है, तो आगे चल के लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, हक के अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये देख के भी झाड़ता है, झूठे झूठे पे खुदा की लानत है। जुमा के दिन है, मैं जो कोई कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आखिरी मकाम को हाजिर नाजिर करके इनसे दूर हो जाए, दूर हो जाए। अरे मैं घर में मुझे नहीं बनाने देते, यहाँ मैं कब्रिस्तान में आया हूँ, तो यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने पहले अंदर हम कमरे में लड़ते भिड़ते रहे, ये नज्जो भी साथ थी, फरूक था, ठीक है, बाद में इसका बेटा भी आ गया, तो ये इन्होंने मुझे नहीं बचाया, नहीं किया, मारने की कोशिश थी पूरी इनकी, तो अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत बचाई, जान भी बचाई। तो मैं आपको कह रहा हूँ, जिसको शक हो जो बोले चाचा झूठ बोलता है, तो जुमा का दिन है, मेरे किसी पड़ोसी से किसी रिश्तेदार से पूछ ले कि रात के 9 का टाइम रहा, हमें खाना नहीं नसीब हुआ, वल्लाह है, ठीक है। तो इन्होंने जो किया, एंड में इन्होंने क्या कि उसको बाहर निकाला तो मेरी कुंडी लगा दी अंदर, ये कुर्सियाँ मुझे वो फेंक दे रहा, मारता रहा, वो छुरी पड़ी थी, हम सब्जी काट रहे थे, तो वो इसने तलाश करता रहा, नहीं मिली, साग बना रहे, सब्जी बना रहे थे, मेरे इसने कुर्सी उठा के मुझे मारने की कोशिश की। तो बाद में इन्होंने, मेरी बीवी ने, सिजाद वालों ने मुझे अंदर खड़े के कुंडी लगा के इसको बाहर नहीं, बाहर से फिर नहीं जा रहा था, मैं कत्ल करके जाऊंगा, मैं फिर खींच खींच, मैं भी गाली निकालता था, मैं कहने कि वो गाली निकालता था, मैं तस्वीर पढ़ता था, साँचे को जाऊँगा ना, मेरे से जो कुछ हुआ मैं किया। तो YouTube फैमिली, आप सच रूज का फैसला किया करो, ऐसे नहीं रिएक्शन दे दिया करो, ठीक है। अगर खुदा कुछ हो जाता तो मेरी तो जान चली जाती, ये मेरी जान लेने के लिए आए थे, और पैसों को लेन देन है, पैसे हिसाब हो गए, पैसे दो, जब तुम्हारी से रिश्तेदारी ख़त्म होगी तो फिर क्यों मुझे धमकियां देते हो, हम पैसे नहीं दे, ये मेरे दाने पे भी कब्जा किया हुआ है, मेरे पैसों पर कब्जा किया है, मेरा और सामान कोई आके माँ का लाल झूठ खा के दिखाए कि मेरा कितना सामान, मैं चल के दिखा दो कितना एक सामान इनके बिस्तरों तक मेरा पड़े, पेटियाँ मेरी पड़ी हैं, टीयर गाटर मेरे पड़े, सब कुछ मेरा इनकी लूट के खा गए, मुझे तो मैंने बच्ची बनाया था। ठीक है YouTube फैमिली, तो अब मैं यहाँ एंड करता हूँ, लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट, इंसाफ हक वाले करना, इंडिया वाले लोगों कह रहा हूँ, पाकिस्तान वाले, दुबई, साउथ अफ्रीका, जहाँ भी गुजरो, इंसाफ तहकीक करके हेटरों को भी कह रहा हूँ, जो रिएक्शन देते हैं ना, इन सब को, कोई भी है ना, चाहे नुशीन है, शबाज है, कोई है, मेरे में देखो, किसी चीज़ की ताकीद करो, फिर कर दो सही, ऐसे चीज़ फलो आप पे वो शरई गुनाह है, शरई गुनाह है, जो ऐसे किसी को इज्जत को छोड़ते हैं ना, ताकीकात करो उस बाप, यहाँ भी बूढ़ा तो बोलता है शबाज, बोलो ये भी पूछो ना, हकीकत क्या है, हकीकत वह दौलत के पीछे नहीं, हकीकत के पीछे जाओगे, हकीकत क्या है, खुदारा मैं तुम्हें कह दूँ, अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह के पेश होना है, हकीकत देख के बात क्या, ऐसे नहीं शुरू कर हो गया करोगे, उसने ये कह दिया, उसने एक उधर आग लग गई, उधर पानी आ गया, उधर फ्लड आ गया, अल्लाह को जान देनी है, सब मेरी बात नहीं करो, अल्लाह को जान देनी है, दौलत नहीं साथ जाएगी, डॉलर नहीं जाएंगे, यूट्यूब नहीं जाएगी, आखिर कभी मैं अकेले जाना है, अल्लाह को हाजिर ना, हक सच, हक सच की बात करो, मेरे ऊपर है किसी के ऊपर है, अल्लाह हाफिज़। बाकी यूट्यूब फैमिली, आपको ये भी बताऊं कि अनवर को उसने क्यों शादी कराई थी, इसलिए कि बाप को छोड़ दिया सबको,
तो उसने बोला मैं तो आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ आपका बता दूंगा, क्योंकि वो डेली शराब दोनों एक साथ पीते हैं असर दराज से, इसको शराब भी अनवर ने लगाई है, ठीक है, शराब पी लेना भी अनवर, अभी उसका भी इसका भी डेली का शराब पी के काम है, शराब पीना है, अहले इलाका को पता है, पूरी बिरादरी को पता है, सबको पता है, इसलिए उसको शादी खिलाई कि अभी वो हमारे राज उगलेगा तो सब बातें हमारे राज फाश हो जाएगी, हम मुँह दिखाने काबिल नहीं रह गए, इसको उसको शादी में ले गया। पर गाली तो उसने भी नजमा को निकाली थी, उसकी बेटियों को, उसकी माँ को निकाली थी, ये सोचो ना आप, सोचो जब मैं तुम कहोगे जब मैं झूठा हूँ तो फिर उसको शादी क्या किस मतलब कर, इसी वजह से उसने कहा मैं आपके सारे राज खोल दूँगा, सबको बता दूँगा इनकी असलियत क्या है, ठीक है, तो इसलिए उनको शादी के लेके गए थे, ठीक है। बाकी गाली तो उससे मेरे से ज़्यादा, वो कुलसुम को उसने पहले शुरू गाली निकाली किया था, उसने बोला ना मैंने तो अपनी उसमें दिया, सबको उसने गाली दी थी, क्योंकि दोनों शराबी हैं, एक दूसरे के राज हैं, इनके घरों के चाचा भतीजा है, इसलिए उसको शादी पे ले गया था, और कोई उसके साथ हमदर्दी थी, राज खुलते थे, उसने बोला मैं वीडियो बनाऊँगा आप सारे राज खोलूँगा, तो इसलिए शराबी शराबी का होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको ले के गए थे, भाई अपने खौफ की वजह, क्योंकि रिश्तेदार खून की कशिश नहीं थी, अपनी इज्जत के लिए गए थे, हमारी बेइज्जती होती है। खैरियत है, ठीक ठाक, देखो जी जनाब ये गाय लेके जा रहे, ये चराने के लिए जा रहे हैं, देखो शाम को ये लोग वापस आएंगे, सारा दिन गाय गायों के साथ रहेंगे, देखो जो अल्लाह ताला कहीं किसी का रिज़्क़ लिखा है वही मिलेगा, गंदम वगैरह है, देखो ये बच्चे खेल रहे, ये इनका बचपना का खेल है, हमारा भी, हम भी ऐसे बचपन में खेलते थे जैसे ये लोग खेल रहे हैं, सब छोटे छोटे, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, ये सब पीटीआई कह रहे हैं जनाब, जितना है सब ये पीटीआई वाले हैं, ये दुकान वाला भी पीटीआई का है, सब पीटीआई के हैं, चला